नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। छिंदवाड़ा में 17 नवंबर को मतदान के बाद सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम मशीनों को शासकीय स्वशासी पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा में विधानसभावार बनाए गए स्ट्रांग रूमों में 3 लेयर्स की कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। साथ ही लगभग 30 सीसीटीवी कैमरे से भी स्ट्रांग रूमों और परिसर की पूरी तरीके से निगरानी की जा रही है। इस दौरान कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा ने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार ईवीएम मशीनों की सुरक्षा व्यवस्था का लगातार वो जायजा लेते हुए अब नजर आए हैं। तीनों लेयर सिक्योरिटी एक्टिव पाई गई है और उसमें कोई समस्या नहीं दी गई है। साथ ही साथ काउंटिंग डे की जो व्यवस्था है उसके लिए काउंटिंग रूम से लेकर इनर आउटर कॉर्डन, बैरिकेडिंग, एंट्री एग्जिट पे पास का उपयोग, पार्किंग व्यवस्था, मीडिया की एंट्री व्यवस्था, इन सब इश्यूज पर लंबा चर्चा हुई है कलेक्टर साहब के संयुक्त टीम के साथ। एंड हमें पूरा भरोसा है कि काउंटिंग हॉल्स हैं उनका व्यवस्था बनाई जा रही है। लगभग सभी कक्ष का निर्माण हो गया है। जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनके एंट्री एग्जिट के पॉइंट, जो हमारे काउंटिंग करने वाले कर्मचारी हैं उनके एंट्री और एग्जिट की पॉइंट, उस दिन के सारे अरेंजमेंट्स के बारे में आज सभी नोडल ऑफिसर के साथ यहाँ व्यवस्था को रिव्यू किया गया है और 27 तारीख को, 29 तारीख को और 30 तारीख। अगली खबर दमोह से है, जहां देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली सागर नाका चौकी के करीब आज खेजरा मंदिर के आगे रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। इस मौत को लेकर कहा जा रहा है कि ट्रेन की टक्कर लगने से अज्ञात व्यक्ति की मौत हो जाने का ये मामला सामने आया है और इस घटना की जानकारी मिलते ही सागर नाका चौकी प्रभारी शिवांगी गर्ग, ASI किशोरी लाल अटिया और आरक्षक दीपचंद ने मौके पर पहुंचकर शव को ट्रैक से उठवाकर शव वाहन से जिला अस्पताल के शव गृह में सुरक्षित रखवाया है और पुलिस मृतक की शिनाख्त करने में भी जुटी हुई है। स्टेशन से एक तहरीर आई थी कि वहाँ खंबा नंबर 11/28 पर एक अज्ञात व्यक्ति पड़ा है, तो जीरो पर कायम किया गया है, मर्ग कायम करके उसकी जांच के लिए आए पंचनामा। क्या नाम है? अभी नाम पता चला क्या? अभी अज्ञात व्यक्ति है। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना की केरबना चौकी क्षेत्र के मोहली गांव निवासी नवविवाहिता जान के पति भैयाराम लोदी ने जहरीला पदार्थ खा लिया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया जहां उसकी मौत हो गई है। जिसकी सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार जिला अस्पताल पहुंचे और महिला के मायके पक्ष के लोगों के बयान दर्ज किए हैं। वह पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी और मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। वह मृतका के भाई सुरेंद्र लोधी ने बताया कि उसके जीजा के उसकी भाभी के साथ अवैध संबंध थे। इसी बात को लेकर बहन और बहनोई के बीच अक्सर विवाद होता था और वो बहन को काफी परेशान करते थे। इसके अलावा ससुराल पक्ष के अन्य लोग भी लगातार बहन को परेशान कर रहे थे और यही वजह है कि अब मृतका पक्ष ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। बोले कि इसको ले जाए, आपने मायके गिराने ले जाए और उन्हें काट लिया। हमारी बच्ची ने कही कि बात करा हमारी, तो बात नहीं करा कि काट लो उन्हें फ़ोन। फिर बच्ची ने हमसे कही कि पापा ऐसा फ़ोन आओ है ना कि ना को दीदी के ना को। थाना बटियागढ़ से जानकी बाई पति भैयाराम लोधी 20 साल की महिला है, जिसकी जहर खाने से डेथ हुई है। उसकी सौ पंचनामा की कार्रवाई हमने की है और उसकी मायके पक्ष के लोग भी आए हैं, माँ हैं, दादी हैं। देखा गया शरीर में कहीं कोई चोट के निशान नहीं है। पंचनामा की कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है, हमने तस्दीक की। बात नहीं कराई हम, होते गए सुखा होते सांस ही घर चल रही थी। क्या क्या समझ में आया वहाँ पे? हमें ऐसा लगा जैसे उन्होंने मार किया नहीं है दवाई। कौन कौन है वो लोग? वो भैया राम, आरती, छोटू, उदामा सिंह, उनकी तो मम्मी है। कब हुई थी शादी? लॉकडाउन 3 साल हो गए। 3 साल। बच्चे भी हैं? कितने बच्चे? 2 बच्चे। अगली खबर ग्वालियर से है, जहां कंपू थाना क्षेत्र के कैंसर पहाड़िया इलाके में एक व्यक्ति की संदिग्ध हालात में लाश मिली है। इस दौरान उसके सर में चोटों के निशान है, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। वह मृतक की पहचान रईस खान के रूप में हुई है
और वो जनकगंज थाना क्षेत्र के हारकोट सीर का रहने वाला था, लेकिन फिलहाल वो खरांची बाबा की दरगाह के पास किराए पर रहने लगा था। वही बीते शनिवार की रात उसने अपने घर हारकोटा सीर से खजांची बाबा के दरगाह के पास किराए के मकान पर जाने की बात परिवार के अन्य लोगों से की थी। इसके बाद वो चला गया था। वही आधी रात के बाद लगभग 3 बजे जब कैंसर पहाड़िया पर स्थित रोड से वाहन सवार निकले तो लोगों ने कैंसर पहाड़िया के पास सिम्स हॉस्पिटल के किनारे एक लाश पड़ी देखी, तब उन्होंने पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी। तो वहां से निकले फिर घर नहीं पहुंच पाए। 2 बजे सूचना आई कंबू थाने से, फोन आया कि आपको इधर आ जाओ कैंसर पहाड़ी पे। तो भैया वगैरह सब लोग आए देखने तो उनकी बॉडी डली हुई थी, नाक में से खून बह रहा था और सिर में भी काफी खून निकल रहा था। तो उनको बॉडी उठाई तो 500 का नोट डला हुआ था और मोबाइल मिल गया था। कौन के संग में थे कुछ पता है? जे नहीं मालूम कौन के संग में थे। व्यक्ति का पहचान पत्रों के माध्यम से उसके परिवार वालों से कांटेक्ट किया गया तो व्यक्ति रईस खान नाम है और जनकगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है और यहाँ पे मृत अवस्था में पाया गया है। तो इसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि किन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई और उसके पीछे क्या स्टोरी है। अब ग्वालियर से खबर है जहां करीब 2 महीने पहले जनकगंज थाना क्षेत्र के रामकुई इलाके में नाले में मिले मानव अंगों के लापता राजू खान के होने की डीएनए टेस्ट में पुष्टि हुई है। अब पुलिस ने मृतक राजू खान के भांजे शाहरुख खान के आवेदन पर आरोपी कल्लू खान के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। वारदात के बाद से ही आरोपी कल्लू खान फरार है, उसकी पुलिस तलाश कर रही है। गौरतलब है कि 21 सितंबर से मृतक राजू खान अपने घर से गायब था। उसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन आरोपी कल्लू खान के घर के आसपास गड्ढे वाले मोहल्ले में मिली थी और पुलिस ने मानव अंगों के डीएनए टेस्ट के लिए उन्हें टेस्ट लैब भेजा था जहां उनके राजू खान के अंग होने की पुष्टि हुई है। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया कि कल्लू खान ने मृतक राजू को किस वजह से मारा था। की जा रही थी जनकगंज थाने द्वारा और इसके पूर्व में उसके जो भांजा एक राजू खान है उसका भांजा शाहरुख ने भी एक आवेदन दिया था कि मेरे मामा का जो है कल्लू खान ने हत्या कर दी है। इस संबंध में आवेदन की जांच की जा रही है। आवेदन और कल्लू खान राजू खान जो है इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।